खिताई पीर पंचालस मज हादसन हुन नरकुन वोल सिलसिले जारी राजौरी काउंटर कास मज दर्दनाक सड़क हादसस मज त्रे नफर मार तो पंदह जख्मी जख्मियन मज त्रेन हज हालत नाजुक सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन तरफ श्रीनगरस मज एहतजाज मजूरन हंदन हुकूकन खिलाफ सरकारी हुकुमनाम नाकाबिल कबूल वंद ब्रोहें बिजली कटौती मायूस कुन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सुन बयान अनंत नाग चकपोर सड़क हालत खस्ता हाल लुक आम मुश्किल मज हन लुकन हज इंतजामियास मरम्मत अपील अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कोशिर खबर नाम हेट सुबह ज़ुहूर लोलाबी तहंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील खिताई पीर पंचालस मज हादसन हुन नरकुन वोल सिलसिले जारी ये आज तेकिस दर्दनाक हादसस दौरान त्रे नफर मार यल जन पंदह जख्मी सपेद तफसलात मुताबिक काउंटर का पे राजौरी कुन पकन वजी टेम्पू गाड़ कैंची मोड़स नजदीक ड्राइवर सिंद कोबू निश नबर गन खाई मज लाइन आम यम कि तथ सवार अर्दा नफर जख्मी सपेद वाक पत मुकामी लुको तो पुलिस तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आए तथा जख्मी नफर जी एम सी राजौरी मुंसलिक हस्पताल वातना आम ये त्रे नफर जख्मन दग नवन फोत सपेद जन त्रेन हालत नाजुक वन इन मासूम शुर तमिल तो बन बहन जख्मी नफर हालत बेहतर वन यह जख्मी मुसाफिरों तरफ वन आम तेज रफ्तारी कि आव यह हदस पेश बकोरी से हम गाड़ी में बैठे हैं, हम आए से बढ़ाल से, तो ये आगे भी इससे दिन की ख़राब थी। कैंची मोड़ से जब आए तो ड्राइवर ने दूसरा टेम्पो क्रॉस हुआ तो स्पीड में उसने गाड़ी भगा दी। मैंने बोला उस्ताद को मतलब आस्ता चलो, तो उसने नहीं मानी। जब तेज चला तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। सर जम्मू पे जा से काख नहीं लौटना, बस असे काख नहीं लौटना, सिर्फ जम्मू पे जा से गड्डी दिया मेरा बच्चा बची जाए, बस और काख नहीं लौटना। ड्राइवर बहुत तेज चलना सी, पहले गड्डी नाल गड्डी ठोकी पीछे, आज भी बता मैं आस्ता चलो आस्ता नहीं आए, उन्हें और रेस दी गड्डी नाल आए। देखिए हमारे पास टोटल 18 इंजर्ड जो है वो रिपोर्ट किए थे एसोसिएटेड तो बाकी वाले लोगों में से तीन जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनमें दो बच्चे हैं माइनर, और सभी लोग जो हैं उनको मल्टीपल इंजरीज हैं, पाली ट्रामा हुआ है उनको, हेड इंजरी कंपोनेंट्स भी है, चेस्ट इंजरी भी है, और ब्लंट ट्रामा एब्डामन या मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हैं, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी हैं। हमारा सभी स्टाफ जो है वो लगा हुआ है, मैं इसको खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी आशा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगरस में थिएटर फेस्टिवल 2023 प्रोग्राम करना आमुत अजक पे शुरू सपुद तो 10 नवंबर तम जारी रोज अत मौक पे आयस फनकारों तरफ कई प्रोग्राम पेश कर जन तलब इलमो तन फन मुजाहर कौर अत मौक पे सेक्रेटरी सयाहत आबिद रशीद सदि तरफ वन आमुत थिएटर कल्चर जम्मू कश्मीर में आम सपदान तो यह प्रोग्राम तमक नतीज बारिश बुजुर्ग गुनाह और रूह की बातें करते हैं, जाते पसंद इंसान के आजाद मशीता और आखरत की बातें कहते हैं। यादों की परछाइयों के साए में
expect that you will see that Jammu Kashmir and the theater scenario of Jammu Kashmir will improve. This is a living testament to the fact, to that statement. This is a fructification of that statement when the National School of Drama, the highest body of theater in our country, comes and collaborates with the culture department. It is in itself a very positive element. आज आपने देखा कि जिस थिएटर का स्टैंडर्ड और जो डिक्शन और जो कमांड एक्टर्स की और ओवरऑल एक एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक इट वाज अमेजिंग. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड. एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, स्पेशली मिस्टर परेश रावल, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एनएसडी सोसाइटी, for having actively collaborated with us, with the government of J&K, with the culture department, in making sure that the theatre scene of J&K is revived to its glory. And is tarah ke events aage bhi munakid kiye jayenge. محکمہ فوڈ سیفٹی تو سٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا طرف آواز بڈگامس من مارکیٹ چیکنگ کرنے یا دوران ہوٹلن تو ریسٹورنٹن من کھین چین کن چیزن ہند نمون حاصل کرنا آئی تات موقع پہ موبائل لیبارٹری ذریعہ موقع پہ چیکنگ ترنا آمز تو یہند چیزن من خمی درائے تمہن خلاف آئی موقع پہ کاروائی ترنا. ये जो पर्पस है इस वक्त की, यहाँ पे हमने बड़गाम में आज मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लगाई है, इसका ये फायदा है कि हम लोग जब कोई सैंपल उठाते हैं सर्वेलेंस में, हम लोग इसको ऑन द स्पॉट ही चेक करते हैं. अगर इसमें किसी भी जगह पे कोई भी खराबी लगती है एनालिस्ट को इस वैन में, तो उसका अकॉर्डिंगली उसी पर्टिकुलर आइटम का लीगल सैंपल उठाया जाता है जो हम फिर भेजते हैं फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी में फर्दर एनालिसिस के लिए. हमारा जो आज 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 हाँ जी हाँ आज हमारा जो ये टूर है, ये नसलापुरा है, मिरगुंड है, और ये जो डीसी ऑफिस का जो एडजेसेंट एरिया है, यहाँ पे हम लोग अभी चल ही रहे हैं कि हमें कुछ टारगेट दिया गया है, वो हम कंप्लीट करेंगे. तो उसमें देखेंगे हम कि कितने सैंपल अच्छे हैं, कितने सैंपल फेल आ गए, वो आपके साथ डाटा फिर शेयर करेंगे. سینٹرل انڈین ٹریڈ یونین طرف آو سری نگر من زوردار احتجاجی مظاہرہ کرنا تو اجاز میں شامل زمداروں طرف ون آمت مزورن ہند حقوق خلاف سرکار حکم نامہ کرنے اس ناقابل قبول سی پی آئی ایم پارٹی ہند سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی سند طرف تھی ات موقع پہ کت کران ون آمت حکومت طرف بجلی پرائیویٹائزیشن کرنے خاطر پارلیمنٹ مز بل پیش کرنا آمت یم سی بجلی مخصوص نفرن کن یہ تو عام لک مشکل مز ہین تمو ون ون ود ین تاہم آز پہ بجلی کٹوتی وچنے یوت یم کن لک آولینس من ہین آمت. بجلی کو پرائیویٹائز کرنے کا بل لایا ہے پارلیمنٹ میں, اور جس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بجلی کو منافع خوروں کے ہاتھوں میں بیچ ڈالا جائے گا, اور اس وجہ سے لازمی طور پر جو بوجھ ہے, پہلے ہی ہمارے ملک کے اندر بجلی کی کمی ہے, اور جہاں تک سمارٹ میٹرز کا تعلق ہے, آپ ہمارے جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, آپ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, آپ کا آنا جانا رہتا ہے, آپ ہی بتائیے موسم سرما آنا ہے اور آمد کے ساتھ ہی بجلی غائب نظر آتی ہے, کتنی کٹوتی کی گئی؟ ابھی سرما آنے والا ہے, آگے کیا ہوگا؟ لیکن سمارٹ میٹرز کے یہی معنی ہے کہ من مانی ڈھنگ سے اب اضافہ ہوگا فیس کا, اور ان علاقوں میں بھی جہاں ابھی بجلی کا کافی قلت ہے, اور ہمارے غریب عوام جن کے پاس روزگار بھی نہیں ہے, وسائل بھی نہیں ہے, اور وہ ہیں. اور تیسری بات یہ جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, میں آیا ہوں دوڑ کر ان ایشوز کو لے کر, ضرور ان ہمارے بھائیوں کے ساتھ شامل رہوں میں,
लेकिन इसके अलावा मेरा दिल धड़कता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सिर्फ तानाशाही क्यों। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, आपने कहा था कि नई शुरुआत कर लेंगे, नई शुरुआत आपने की 5 अगस्त को। मेंबर पार्लियामेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर हसनैन मसूदी सिंह तरफ आवाज स्पाइस पार्क दसू पंपरुक दौर करने या दौरान तमो तस मीटिंग हूं साम हौकस पे बाकी जिम्मेदार तिम सतो कत कानूनमत जहस तफरान पैदावार मुतासर सपजम तेज इरीगेशन सिस्टम वन तीक कर आमुत तमो अलज इंतजाम पे जोर दुत अत मामल कुन गोन यून दिन युत जफरान पैदावार मज हुर सपद तो अत सबस्त लूकन ज्यादा खुद ज्यादा फायद व कि ज़ैफ़रान की पैदावार ही मुतासिर हुई और इसके क्या असबाब हैं। सबसे बड़ा ये है कि जो ज़ैफ़रान मिशन बनाया गया था 500 करोड़ की लागत से, जो उस पर वो तकमील था कि इस रकम से ये ज़ैफ़रान मिशन की तकमील होगी, वो सारा तकरीबन फेलियर है। अवलन जो स्प्रिंकल इरीगेशन का कंसेप्ट था वो कामयाब होने ही नहीं दिया गया, जो वेल्स थे वो फंक्शनल बनाए ही नहीं गए और कहीं कहीं पर उन वेल्स के बनाने में भी बड़ी बड़ी शिकायतें मौसूल हुई। इसके अलावा जनाब जिस इलाके में जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं उनका पोल्यूशन है, जो लाइमस्टोन माइनिंग है उसका पोल्यूशन है, जो इमिशंस हैं तो उससे भी एक तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गई है और जो मॉइस्चर है वो रहा नहीं है और पैदावार मुतासर हुई है। अभी मैंने कहा देखिए, पहले जब ये कंसीव किया गया था ये प्रोजेक्ट, कोई 128 के करीब बोरवेल्स की उन्होंने पहले प्रोविजन रखा था, लेकिन वो नहीं फंक्शनल हुए, ऑपरेशनल नहीं हुए। और जो कंसेप्ट था स्प्रिंकल इरिगेशन का, जब ड्राई सीजन हो ताकि स्प्रिंकल इरिगेशन हो उससे जरिए उसके ज़रिए से ये पैदावार मौके पर बारिश अगर न हो तो पैदावार में कोई फ़र्क ना हो, वो तो जब ऑपरेशनल ही नहीं हुए। कहीं कहीं तो जो उसके केयर टेकर्स थे उनको तनख्वाह नहीं दी गई। और मेरा पहले सुझाव था कि मेरा दूसरा या तीसरा विजिट होगा इस फैसिलिटी पर, मेरा सुझाव था कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक अलग से एक मैकेनिकल डिवीज़न होना चाहिए ताकि वो निर्भर ना करें, वो दारमदार उनका ना हो जो वाकई का जो मैकेनिकल डिवीज़न है, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये पहले रोज़ अव्वल से ही इसको मिसडायरेक्ट किया गया और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, वो यहाँ के जो पामपोर की जो आबादी है, 4 अरब रुपए का ये यहाँ का कारोबार। नाज़रीन खबर नाम जारी।